अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे और कुमार विश्वास यानी अरविंद केजरीवाल के तमाम करीबी आज वहां पर पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ वहां पर देखे, इस तरह से संबोधन किया। अन्ना पीछे थे और कुमार विश्वास ने संबोधन दिया, यानी रालेगढ़ में टीम केजरीवाल का होना अब इस तरह के संकेत देने की कोशिश है कि अन्ना हजारे के साथ हम जरूर हैं। और यही संदेश आज कुमार विश्वास वहां पर देते हुए और ये साफ कहते हुए कि अगर जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट हमने जन लोकपाल बिल का दिया है, उसमें बदलाव किए जाते हैं, एक कमजोर बिल लाने की कोशिश होती है, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। संजय सिंह, कुमार विश्वास दोनों ही रालेगढ़ में मौजूद। संजय सिंह और कुमार विश्वास टीम केजरीवाल के अहम सदस्य जिन्होंने दिल्ली की कामयाबी में बड़ी भूमिका निभाई और उस मंच से भी लगातार मौजूद रहे जब केजरीवाल ने बीते दिन अपने विधायकों के साथ जनता का धन्यवाद किया चुनाव में साथ देने के लिए। और वही कुमार विश्वास और संजय सिंह दोनों पहुंचे रालेगढ़ और वहां पर अन्ना के आंदोलन का हिस्सा बने। समझौता कोई नहीं करेंगे, जो ड्राफ्ट हमने जन लोकपाल का दिया है वही लाना होगा, अगर जोकपाल लाने की कोशिश करती है सरकार तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। यानी जो लगभग 3 बरस पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी जंतर मंतर से, उसमें एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश है, क्योंकि अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हैं, टीम केजरीवाल अलग होकर राजनीति का रास्ता ले चुकी है, लेकिन सरकार अपनी जगह पर वैसी ही दिखती है, क्योंकि लोकसभा में तो लाया गया बिल को पास हुआ लेकिन राज्यसभा में अभी पेश होना है। इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार उसके लिए भी कवायद तेज कर रही है। अब सवाल यही है कि कौन सा लोकपाल बिल मिलेगा देश को, क्या एक कमजोर लोकपाल जिसमें एक मजबूर सीबीआई के जरिए ही पूरे मामले को आगे ले जाया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को, या फिर एक सशक्त लोकपाल जिसकी मांग अन्ना हजारे कर रहे हैं। अनशन पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, रालेगढ़ सिद्धि में इस बार उन्होंने अनशन किया है और उनका साथ देने के लिए वहां पर टीम केजरीवाल पहुंची है, क्योंकि इसके जरिए यह संदेश भी देने की कोशिश है कि कम से कम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल की बात होती है तो हम एक हैं, उस आंदोलन में हम देंगे अन्ना का साथ। संजय सिंह और कुमार विश्वास,